भीषण संग्राम जारी था। भारत के PT-76 टैंकों के सामने पाकिस्तान के शाफी टैंकों का स्क्वाड्रन तैनात था। पहले ही अटैक में भारत ने दो शाफी टैंकों को नष्ट कर दिया। हम आपको इन दोनों टैंकों का कंपैरिजन दिखाते हैं, इनकी तुलनात्मक ताकत बताते हैं। M24 शाफी टैंक पाकिस्तान में निर्मित थे। ये एक मेन बैटल टैंक था और उसका कवच यानी आर्मर बहुत मजबूत था। PT-76 एक एम्फीबियस टैंक था, यानी पानी पर चलने में सक्षम। इसी भूमिका के कारण ये टैंक हल्के होते थे। इनका आर्मर प्रोटेक्शन शाफी टैंकों जितना मजबूत नहीं होता था और इसमें लगे हथियार भी शाफी टैंकों से कमतर थे। एम्फीबियस टैंक का मतलब कि इसका वजन बाकी टैंकों के बनिस्पत थोड़ा कम है, क्योंकि ये एक एम्फीबियस टैंक है। ये छोटी छोटी नदियाँ पार करने में सक्षम है और साथ साथ जहाँ पे थोड़ी ज़मीन गीली है या दलदली एरिया है वहाँ से टैंक आराम से निकल सकता है। साथ ही साथ इसके पास एक 76.2 mm की गन थी। 45 कैवलरी के स्क्वाड्रन कमांडर थे मेजर डीएस नारंग। उन्होंने जिस फॉर्मेशन में टैंकों की तैनाती की थी वो हमारी स्थिति को अभेद्य बना रही थी। मेजर नारंग पूरी बहादुरी से टैंक के कपोला से खड़े होकर अपने साथियों को निर्देश दे रहे थे और उनके हौसले को बढ़ा रहे थे। मेजर डीएस नारंग एग्जाम्पल से लीड करते थे, आगे रहते थे और अपने साथ साथ अपनी पूरी स्क्वाड्रन को मोटिवेट करते थे हर काम करने में। डीएस नारंग साहब उस लड़ाई के अंदर जोश में आ गए और उन्होंने बोला कि मुझे फॉलोअप करो। तमाम आदमी उसको फॉलोअप करने के लिए स्क्वाड्रन एकदम एडवांस कर गया और मेजर साहब ने एडवांस में सबसे लीड कर लिया। एक एक करके दुश्मन के टैंकों पर हमारे योद्धा निशाना साध रहे थे। हमारे एक टैंक ने आगे बढ़ते हुए ऐसी ही शाफी टैंक को हिट किया। गोला लगते ही एक पाकिस्तानी सैनिक भीतर से जान बचाकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगा। भारतीय सैनिकों ने देखा कि वो तो पाकिस्तान का ट्रूप लीडर था, उसे फौरन वहीं ढेर कर दिया गया। दोनों ओर के सारी टैंक इस मोर्चे पर भयंकर लड़ाई में उलझ गए। मेजर नारंग ने दुश्मन के दो टैंकों को ध्वस्त कर दिया। आमतौर पर युद्धभूमि में टैंकों की लड़ाई के दौरान टैंक के भीतर से ही निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना की परंपरा का निर्वाह करते हुए मेजर नारंग ने स्वयं की सुरक्षा की परवाह नहीं की, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहने के लिए और कोहरे के पार पाकिस्तानी टैंकों की स्थिति का बेहतर जायजा लेने के लिए जब वो बाहर की ओर खड़े थे तभी अचानक उन्हें बर्स्ट आकर लगी। इसी दौरान जब उनके गनर ने एक टैंक को बर्बाद किया और वो जरा सा बाहर आए, उस टाइम पे एक मशीन गन का बर्स्ट उनकी छाती पे लगा और इसी कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए।